ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी है एवं हेल्दी भी है। तो इसको आज हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वही आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जया किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं और एक ठो न्यू रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे लौकी डाठा, जो लौकी होता है उसकी डाठा, कद्दू लौकी कद्दू कुछ भी उसकी डाठा, उसकी डाल की जो सब्जी बनाएंगे खाने में बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग भी मेरा तरह बना के एक बार देखिए, सही में बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा भी है। तो ये है लौकी की डाठा और ये है हम आलू, आलू मिला के हम लौकी का डाठा का सब्जी बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं वो आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग भी देखिए। तो ये जो लौकी है ना, इसका कुछ भी फेंका नहीं जाता है, इसका लौकी का भी बहुत अच्छा सब्जी बनता है और ये इसका डाठा का भी बहुत अच्छा सब्जी बनता है, पत्ता का भी तो बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है। तो सब कुछ हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे धीरे धीरे, तो आप लोग देखते रहिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं वही आप लोग देखिए। तो इसको पहले हम अच्छा से काट लेंगे, तो चलिए काट लेते हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले अच्छा से काट लेते हैं। तो चलिए देखिए हम कैसे कैसे काटते हैं। इसका काटना भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, नहीं तो छीनना है, नहीं तो कुछ करना है, इसको छील देने से अच्छा नहीं। देखिए हम ऐसे छोटा छोटा साइज में हम काट लेंगे, ये तो खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है, डॉक्टर तो इसको खाने के लिए बहुत ही बोलते हैं। ऐसे छोटा छोटा पीस में हम काट लेंगे सारा डाँटा को ऐसे। देखिए हम डाँटा और आलू काट लिए हैं, जो लौकी का डाँटा है वो और आलू हम काट लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम पत्ता भी मिला देंगे, देखिए ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा ही मिलाएंगे। देखिए इतना थोड़ा सा हम पत्ता मिला लेंगे। इसका पत्ता का भी बहुत सारा रेसिपी बनता है, बहुत ही अलग अलग, खाने में भी बहुत टेस्टी है। सब रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, देखते रहिएगा। कटना हो गया मेरा, अभी हम इसको धो लेंगे, तो चलिए धो लेते हैं। अच्छा से इसको हम धो लेंगे। देखिए मेरा धोना हो गया, अभी इसको हम बनाने का प्रोसेस में जाएंगे। बनाने से पहले उसका हम मसाला तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला में लेंगे लहसुन और प्याज और अदरक, तो ये सबको हम पहले छील लेते हैं। मेरा अदरक लहसुन और प्याज हम छील लिए हैं, अभी इसको हम पीसेंगे। तो हम मसाला पीस लेंगे, सबसे पहले इसको हम धो लेते हैं। अच्छा से इसको धो लेंगे, इसी से हम मसाला पीस लेंगे। इसको हम धो लिए, अभी इसको हम पीसेंगे। मेरा मसाला पीसना हो गया, अभी हम बनाएंगे। देखिए उठा लेंगे, पीसना हो गया, अभी हम बनाने जाएंगे। अभी हम ले लिए हैं कढ़ाई, कढ़ाई में हम दे देंगे सरसों का तेल। हम दे दिए हैं सरसों का तेल, इसमें हम दे देंगे फोरन में जीरा थोड़ा सा गोटा वाला और एक ठो तेज पत्ता। ये मेरा हो गया, जीरा भी चटक गया है। अभी इसमें हम धोया हुआ कद्दू का दाल को हम थोड़ा सा हम चला लेंगे।
अभी इसमें हम दे देंगे स्वाद अनुसार नमक। दे दिए हैं, हम इसको चला लेंगे थोड़ा सा। इसको हम ढक के कुछ देर तक इसको भूंज लेंगे। देखिए मेरा हो गया भाजना। ये देखिए ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। उसको निकाल लिए हम, अभी हम इसमें और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, अभी हम इसमें जीरा प्याज फोरन दे देंगे। प्याज भी मेरा भूजना हो गया है, अभी इसमें दे देंगे हम जो मसाला पीस के रखे थे, अदरक लहसुन और प्याज जो हम पीस के रखे थे वो हम दे देंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अभी हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और देंगे हम धोने पाउडर। इसको हम अच्छा से मिला लेंगे सबको। देखिए अच्छा से इसको हम भून लेंगे। मसाला हमारा भूजना हो गया है, अभी हम इसमें दे देंगे कद्दू का दाल, जो निकाल के रखे थे वो हम दे दिए हैं। और थोड़ा सा पानी देखिए इसको हम मिला लेंगे, थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे। थोड़ा सा मसाला देके हम थोड़ा सा भून लेंगे ढक के। तो हो गया है मेरा भूजना, देखिए ऐसे हो गया है। अभी इसमें हम पानी दे देंगे, देखिए हम दे दिए हैं पानी। अभी इसको होने का इंतजार में है, तो चलिए देखते रहिए। तो मेरा हो गया है, अभी इसको हम लोग अभी उतार लेंगे। ऐसे ही हम रखेंगे थोड़ा सा झोल झोल। ये देखिए इसको हम उतार लेंगे, उसके बाद हम परोसेंगे, साफ करेंगे। तो उतार लेते हैं। देखिए मेरा रेडी हो गया है एक कद्दू का दाल की सब्जी। तो इसको हम अभी गर्मा गर्म भात के साथ खाएंगे। तो चलिए देखते रहिए।